प्रोग्राम सेट किए थे, प्रोग्राम सिस्टम, यानी कि ऑलमोस्ट आप सभी को मालूम है कि हम लोग एक बिजनेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो उस बिजनेस प्रोग्राम में हम लोग कुछ चेंजेस लाए, कुछ प्रोग्राम्स न्यू लाए, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। और इसको पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि ये वीडियो से मैं अपना प्रोग्राम का कुछ इम्पोर्टेंस जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करूँगा, और ये जो सिस्टम हमने बनाया है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चेन, इस चेन के मदद से आप प्रोडक्ट को सेल करके, यानी कि प्रोडक्ट को सेल करके यहाँ से परसेंटेज अर्न कर सकते हैं। डिफरेंस तो हम लोग यहाँ पे आप एक नॉर्मल से, मतलब यहाँ पे अगर बोलेंगे तो एक डायग्राम आपको नज़र आएगा। तो डायग्राम से सिंपली जो हम लोग के प्रोडक्ट है, तो जैसे सिस्टम है हम लोगों, तो सब बहुत जन ऐसे मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बट नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जाने के लिए सबसे पहले एक्टिवेशन के लिए 1000 देना पड़ता है, और भी बहुत सारा डिफरेंस है, ये बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बेसिक से बता रहा हूँ कि एक्चुअली हम लोग का बिजनेस प्रोग्राम जिसका नाम है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चेन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने गारमेंट्स का वेबसाइट बनाया हम लोगों, तो वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारा कैटेगरीज होगा, फ़ोटोज़ होगा, तो उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, या आपके रीच में जितने भी लोग हैं, जो अपने कनेक्शन में जितने भी, उसको सेंड करिए। तो यहाँ पे आपको हमारा प्रोडक्ट खरीदना बिल्कुल नहीं पड़ता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदें उसके बाद आपको किसी, बिल्कुल भी नहीं, प्रोडक्ट नहीं खरीदना हमारे। अगर आपको लगता है कि आप हमारे जो प्रोडक्ट किसी को सेल कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सिंपली आप हमारे वेबसाइट में जाइए, आप वहाँ से फ़ोटो लीजिए और किसी को सेंड कीजिए। अब मान लीजिए वो जो बंदा या बंदी जो भी होगा, वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मान के चलते हैं कि वो प्रोडक्ट का प्राइस है 500, यानी कि एक जीन्स, ठीक है ना, तो वो जीन्स आप किसी को रिकमेंड करते हो और वो बंदा वो जीन्स को ख़रीदता है, तो आपको जाएगा पूरा का पूरा 20% फ्लैट 20%, यानी कि 500 का 20% होता है 100, और पूरा का पूरा 100 जाएगा आपके पास। अब मान लो यहाँ पे बिगेस्ट चेंजेस ला सकता है इस प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो हम लोग प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, कि आप अपना टीम भी बना सकते हो, यानी कि मान लो यहाँ पे डायग्राम पे आप देख सकते हो कि SD होगा, SD यानी कि सोलो डायरेक्टर, और टीम TD होगा यानी कि टीम डायरेक्टर। अब SD होता है कि सोलो, यानी कि आप खुद से किसी को रिकमेंड करते हो और खुद से 20% ले लेते हो। अब टीम डायरेक्टर मतलब होता है कि आपने टीम बना दिया, चलो आपने मान करते 10 जन का टीम बना दिया। अब मानो आपने किसी को रिकमेंड किया भी नहीं, सेल किया भी नहीं, पर आपका जो टीम है उसने सेल किया, तो आपको कितना मिलेगा? आपका टीम को जो टीम मेंबर है उसको मिल जाएगा 15% और आपको मिल जाएगा 5%, ठीक है, तो ऐसे में ये रन होगा। मान लो आप ये 5% इसको कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टीम है। तो मानो मान के चलते कि आपके पास 10 जन है, तो 5% तो कितना जन होता है? तो ये मान के चलो कितना परसेंट आपके पास आएगा? आपने कुछ नहीं किया, आपने बस टीम बनाया और आपके टीम ने सेल किया, ठीक है ना। तो ऐसे में आप अगर टीम बना लेते हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, आप घर बैठे बैठे वीकली या मंथली बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, टीम बनाना, टीम को बोल देना कि यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट से प्रोडक्ट लो और सेल करो, और वहाँ पे क्या होता है, जो सेल कर रहा है उसको 15% मिल जाएगा, आपको 5% मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली किसी को सेल करते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा पूरा 20% मिल जाएगा। अब मान के चलते हैं कि डिलीवरी यहाँ पे जो बंदा भी कर रहा है, तो पूरा डिलीवरी का चार्ज वो खुद ही रख सकता है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे परसेंटेज से भी कमा रहा है और डिलीवरी से भी कमा रहा है, तो यानी कि दो तरह का यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। ऊपर से मैंने यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि थर्ड पार्टी भी आ रहा है, यानी थर्ड डिवीज़न। मान के चलते आपने 10 जन का टीम बनाया, नीचे पे आप देख सकते हैं थर्ड डिवीज़न आ रहा होगा। तो माने आपने टीम बनाया एक तो 10 जन का, और मान के चलते उस जन में 10 जन में से एक जन और टीम बना दिया नीचे में, तो आपका ओवरऑल टीम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि आप नीचे पे देख सकते हैं कि जब से सबसे नीचे जो सेलर है, सबसे नीचे क्या उसको मिल जाएगा, अगर वो सेल करता है तो उसको मिल जाएगा 12.5%, ठीक है, और आपको मिल जाएगा 2.5%, और सबका सबसे बीच में जो है उसको मिल जाएगा 5%। तो इस तरह से परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप जितना सेल करोगे, जितना आपका टीम होगा, आपको उतना परसेंटेज मिल जाएगा। और इसको प्लीज़ हल्के में मत लेना, क्योंकि आपका टीम रहेगा तो आपका टीम के द्वारा आप कुछ नहीं भी करोगे, आपका टीम सेल करेगा तो आपको पैसा आते ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप सभी को मैं बोलूँगा कि आप डेडिकेशन के साथ, अपने परफॉर्मेंस के साथ बहुत ही डिलीजेंटली अगर काम करते हैं, तो आगे चल के हमारा जो ये बिजनेस प्रोग्राम है
प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चेन, ये आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है लाइफ में। शायद आपको लगता है कि ये छोटा प्लेटफॉर्म है, बट छोटा का बात नहीं, ये पूरा पूरी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कितना स्केल कर सकते हैं। तो आप अपना जब टीम बना लेना, आपका अपना टीम का नाम रखने ला, कुछ भी नाम हो आपको, जो भी याद आ रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, अपना टीम का नाम ले। और ये टीम में पूरा पूरा आर्बिट्री आपका, यानी कि आप जो भी जैसे रन करना चाहो वैसा रन करो, बट खुद से हम लोगों का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको आपको मान के चलना, मान के लगते हैं हम लोगों का MRP वहाँ पे मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस से ज़्यादा आप किसी को सेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम लोगों का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप थोड़ा डीपली समझे, हम लोगों का जो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन बनाए उसको थोड़ा फॉलो कर सकते हो।